कोंडागांव जिले में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की करीब 20 लाख रुपए की 35 मोटरसाइकिलों को जब्त भी किया है। दरअसल कोंडागांव जिले में लगातार साप्ताहिक बाजार सहित सूने मकानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना हो गई थी, जिसके चलते पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही थी और इसी कार्यवाही के तहत ही पुलिस ने उड़ीसा के 3 आरोपियों को पकड़ा। वहीं एसपी वाई अक्षय कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए आरोपी डुप्लीकेट चाबी से बाइक चोरी कर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में बेचते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गिरोह के बाकी सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी को नमस्कार। अभी लेटेस्ट जनवरी 2024 में चैत्राम मेहताम करके हमारे पास एक प्रार्थी आए थे। प्रार्थी का कहना यह है कि उनका मोटरसाइकिल जो है उनके घर से चोरी हुआ। ये विश्रामपुरी तरफ का रहने वाला है और इसी टाइप का कंप्लेंट हमको अप्रैल में 2023 में श्यामलाल सेठिया करके है प्रार्थी में। उनका कहना यह है कि विश्रामपुरी का वार्षिक मेला चल रहा था, उस वार्षिक मेला से उनका जो हीरो डिलक्स का बाइक है वो चोरी हो गया है। तो फिर इस पर हमने थोड़ा वर्क करके उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाते हुए हमारा विश्रामपुरी पीएस का स्टाफ है लेड बाई एसएचओ संजय भट्टी एंड साइबर सेल का स्टाफ है लेड बाई शशिभूषण पटेल अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ केस का सुनी चलते हैं। ये आज हमको एक अच्छा सफलता मिला है कि 3 आरोपी को हमने गिरफ्तार किए हैं। एक तातुराम यादव करके हैं, तुलसीराम करके हैं, सुखनाथ मरकाम करके हैं। तीनों एक्चुअली क्या है कुंदई पीएस के बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर उड़ीसा। तो फिर इनकी उसमें कब्जे से हमको आज 35 मोटरसाइकिल हम जब्त किए थे। उसका वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू हम अंदाज़ा लगाएंगे तो 20 लाख का वर्थ कुछ हो सकता है। तो फिर उसमें कुछ बाइक्स उड़ीसा की भी है, उसमें कुछ बाइक्स छत्तीसगढ़ की भी है। मतलब ज़्यादातर ये लोग विश्रामपुरी बासकोट गमरी नहीं तो बोरई ये दमतरी का बॉर्डर जो उड़ीसा का बॉर्डर जो है दमतरी विश्रामपुरी का बॉर्डर जो है उस एरिया में लोग घूमते हैं। जो भी मेला लगती है जब भी कुछ वेकेंट घर को ये लोग देखते हैं। जब इन लोगों के पास कुछ डुप्लीकेट कीस रखा हुआ है, इनका मोडस ऑपरेंडी यही है, मेला में लोग घूमते रहते हैं, डुप्लीकेट की रखते हैं, की रख के उस की से ये लोग बाइक को ओपन करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर ओपन हो गया तो ठीक है, ओपन नहीं हुआ तो उधर से भाग जाते हैं। अगर ओपन हो गया तो फिर बाइक लेके भाग जाते हैं। और ये लोग जितने भी बाइक चोरी किए हैं सभी को उड़ीसा में ये लोग बेचने का काम करते हैं, नहीं तो उन्हीं के पास रखते हैं ताकि मार्केट में वैल्यू बढ़ने के बाद ये लोग बेच सकते हैं। तो फिर आज हमको 35 बाइक्स मिले थे, बाइक्स पीछे आप देख सकते हैं।